गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू जर्मनी क्लासेस। मैं अभिषेक भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां आप मेरे साथ पढ़ रहे थे बीएससी फिजिक्स, जिसमें मैं आपको अगर यूनिट फिफ्थ की बात करूं तो आपका यूनिट फिफ्थ का यूनिट फोर चल रही थी, और आज उस यूनिट फोर को बच्चों मैं एंड कर दूंगा। किसके साथ? एक आपके नए टाइप के वेक्टर के साथ, जिसका इंट्रोडक्शन आज मैं आपको दूंगा, ठीक है। और साथ ही में मैं इस वेक्टर का इंट्रोडक्शन और उस वेक्टर का आपको क्या करवाऊंगा, डेराइवेशन भी करवाऊंगा। और वो डेराइवेशन हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं करवाऊंगा। मैं पहले ही बता रहा हूँ सिलेबस में नहीं है, जस्ट इंट्रोडक्शन है, ठीक है, उसके बारे में आएगा। लेकिन मैं डेराइवेशन इसलिए करवाऊंगा क्योंकि वो आपका आगे भी फ्यूचर में काम आएगा, एमएससी वगैरह में भी तो वो आपका काम आएगा, ठीक है। और शायद मुझे नहीं, ठीक है, और शायद ये आपका पूछ भी सकते हैं वो डेराइवेशन, ठीक है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ये क्योंकि लास्ट टॉपिक है, तो हम लास्ट टॉपिक को करके अपना चैप्टर को अच्छे से फिनिश करते हैं, जो अगर इसके बेस पर क्वेश्चन आ भी जाए तो आप कर दें, ठीक है। देखो बच्चों, तो उस वेक्टर का नाम क्या है? लाप्लास रंज लेंस वेक्टर, ठीक है। देखो ये वेक्टर क्या है, अब तक आपने क्या पढ़ा कि किसी भी सेंट्रल फोर्स या फिर सेंट्रल फील्ड के अंदर जो आपकी दो क्वांटिटी होती हैं, कौन कौन सी? टोटल एनर्जी और आपका एंगुलर मोमेंटम। ये कैसी होती है? ये कॉन्स्टेंट होती है, यानी कंजर्व्ड होती है। पढ़ा है आपने, इसमें तो आपको कोई डाउट ही नहीं होगा। लेकिन हमारे जो थे लाप्लास रंज और लेंस जो थे, ये साइंटिस्ट थे तीन, इन्होंने देखा कि एक और वेक्टर आ रहा है, ठीक है। वो नए टाइप का वेक्टर था, यानी वो कई सारी वैल्यूज को कंबाइन करा गया, कई सारी वेक्टर्स क्वांटिटीज को मिलाया, सब्ट्रैक्ट कर माइनस कर एक नए टाइप का वेक्टर फॉर्म हुआ। और बाद में देखा गया कि वो वेक्टर भी साथ साथ चल रहा है और कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तब तक उस वेक्टर का कोई नाम नहीं था, तो क्योंकि इन्होंने फाइंड करा तो इन्होंने अपने ही नाम पर उसका वेक्टर का नाम रख दिया, ठीक है। और क्या पाया कि वो वेक्टर हमेशा कंजर्व्ड रहेगा, किसमें? भाई आपका जैसे एक वेक्टर होता है, कौन सा? इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एक वेक्टर है, ठीक है। आपका क्या है? एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर है। इसी तरीके से ये भी एक वेक्टर है, नाम है बस इसका ये, जैसे उस वेक्टर का नाम है आपका एंगुलर मोमेंटम, इस वेक्टर का नाम है लाप्लास रंज लेंस वेक्टर, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या क्वेश्चन आया कि भाई मतलब क्या रिजल्ट निकला कि वो वेक्टर भी सेंट्रल फोर्स के अंदर, सेंट्रल फील्ड के अंदर कैसा रहेगा? कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है, हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है, ठीक है। तो आज मैं उसी को आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि वो वेक्टर है क्या। पहले मैं आपको, जब लास्ट में रिजल्ट आएगा तो आपके पास वो वेक्टर भी आ जाएगा और वो कॉन्स्टेंट है ये भी साथ में दिख जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या कंसिडर करूंगा, देखो मुझे पता है क्या कि कंसीडर अ वेक्टर, कंसीडर अ पार्टिकल, वेक्टर नहीं अ पार्टिकल, कंसीडर अ पार्टिकल, पार्टिकल मूविंग इन एन, मूविंग इन एन सेंट्रल फील्ड फोर्स इज गिवन बाय, किस तरीके से कर सकते हैं आप एफ को, एफ आर और आपका आर कैप, आर कैप आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, आर कैप आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, इसकी डायरेक्शन, इस फोर्स की डायरेक्शन। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, आर वेक्टर बाय आर, आर आपका मैग्नीट्यूड है, इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लो। अब देखो सेम फोर्स को आप एक और तरीके से फाइंड कर सकते हो, कैसे? देखो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, हमने अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम गए, हम क्या लेट कर लेंगे, हम लेट कर लेंगे क्या, हम लेट कर लेंगे कि मतलब लेट थोड़ी करेंगे, सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, dp वेक्टर बाय dt इक्वल्स टू क्या होता है आपका f वेक्टर। यहां तक किसी को कोई समस्या? इसको क्या मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लो, ठीक है, इसको क्या कर लो, इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लो। अब आप फटाफट से क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, ठीक है, फटाफट से क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, ठीक है, ले लो इसका स्क्रीनशॉट, यहां पे आर क्या कोड लगा लो, डायरेक्शन भी दिख जाएगी, ठीक है, इसको स्मॉल करो पहले, फिर स्क्रीनशॉट लेना, इसको स्मॉल कर लो, ठीक है, डायरेक्शन भी दिखानी जरूरी है ना, डायरेक्शन को हम इग्नोर नहीं कर सकते।
इन बच्चों देखो इन कैप्स का जरूर ध्यान रखना क्योंकि डायरेक्शन शो करते हैं और इन डायरेक्शंस को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं किसी भी कीमत पर। इन डायरेक्शंस को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं क्योंकि एफआर में लिखूंगा तो वो आपका इसी के बराबर होता है, तो मैं इसी के बराबर लिख देता हूँ और मैं डायरेक्शन की फॉर्म में लिखूंगा तो वो बहुत अच्छा रहेगा मेरे लिए। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब क्योंकि वो वेक्टर, देखो वो वेक्टर था नहीं, जस्ट हमने कंसीडर ही तो करा है। हमने क्या करा, हमने उस वेक्टर को कर लिया है, क्या कंसीडर कर लिया कि हाँ इस तरीके का कोई वेक्टर है, उसका नाम भी रख दिया। ठीक है, इसका मतलब वो एक जो वेक्टर है वो कंसीडर्ड वेक्टर है, यानी उसको हमने लेट करा, अज्यूम्ड वेक्टर है। तो यहाँ भी हम क्या, अब हम क्या करेंगे, एक वेक्टर कंसीडर कर लेंगे जो कि दो इंपॉर्टेंट हमारे वेक्टर्स होते हैं उनके प्रोडक्ट से आ रहा है, उनके क्रॉस प्रोडक्ट से आ रहा है। वो कौन कौन से, कंसीडर वेक्टर आर वेक्टर मान लो। ठीक है, जो आपका आर वेक्टर है वो आपका पी वेक्टर इंटू एल वेक्टर है। ये पी क्या है, पी आपका क्या है, पी आपका है क्या, पी आपका है लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। और आपका एल क्या है, एल है आपका एंगुलर मोमेंटम। यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा, पर पी आपका क्या है, पी आपका लीनियर मोमेंटम है, एल आपका है एंगुलर मोमेंटम। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी। अब इसको इक्वेशन नंबर 3 लेट कर लो, इसको याद रखना अपनी इक्वेशन नंबर 2 को, इस इक्वेशन नंबर 2 को याद रखना। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब मैं बच्चों क्या करता हूं, मैं इसको डिफरेंशिएशन करवा देता हूं। इसमें क्या करवा देता हूं, डिफरेंशिएशन। सो ऑन डिफरेंशिएटिंग डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3 वी कैट, हमको क्या मिल जाएगा, डी आर कैप बाय डी टी, डी टी आगे। अब देखना यहां पे मैं क्रॉस प्रोडक्ट वाला लगाऊंगा, यानी डी पी वेक्टर बाय डी टी क्रॉस एल वेक्टर प्लस प्लस पी वेक्टर क्रॉस डी एल वेक्टर बाय बाय डी टी बाय डी टी। ठीक है, अब आपको पता है क्या, आपका जो ये लीनियर, ये जो एंगुलर मोमेंटम होता है भाई, आपको पता है कि इन सेंट्रल फोर्स फील्ड आपका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या होता है, कंजर्व्ड होता है, कंजर्व्ड यानी कांस्टेंट होता है। यानी आपका जो डीएल बाय डीटी है ये क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि कांस्टेंट है ना बच्चों। ये मैं आपको करवा चुका हूं भाई, आपका जे की फॉर्म में करवाया था ये मैंने आपको जे की फॉर्म में करवाया था, याद करो। ठीक है, मैंने जे पुट करवा रखा था। अब यहां पर मैंने नॉर्मल वैल्यूज, जो भाई हम एंगुलर मोमेंटम को नॉर्मली तो आप बचपन से पुट करते आए होंगे एल, तो मैंने एल ही पुट कर रखा है, तो उस चीज में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, मेरा एल क्या था, एल कॉन्स्टेंट आया था। तो किसी भी कॉन्स्टेंट का आप डिफरेंशिएशन करते हो टाइम के रेस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसकी वैल्यू तो मेरी क्या हो जाएगी, जीरो। चलो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे बताता हूं इसे किस तरीके से आप अपने नोटबुक में लिखना। ठीक है, यहां पर लिखो, देखो सिंस इन सेंट्रल फोर्स फील्ड वी नो that angular momentum is constant, then equation 4 become, इसकी वैल्यू तो जीरो हो जाएगी तो ये तो हट जाएगा, ये आपकी इक्वेशन 4 बन के आ जाएगी। ठीक है, इक्वेशन 5 इसको आप मान लो, क्या आपकी आ जाएगी इक्वेशन 5, सिंपल इतनी सी।
ये आपकी क्या आ गई इक्वेशन 5। अब आपको मैं dp by dt की वैल्यू भी निकलवा चुका हूं इसमें इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 में dp by dt की वैल्यू आई है तो यहां पर पुट कर देंगे किसकी कहां से इक्वेशन कौन सी इक्वेशन से इक्वेशन नंबर सेकंड से। ठीक है चलो अब इसका स्क्रीनशॉट लो आगे। From equation second, we can write equation 5 as dr vector by dt बराबर d by dt f r r vector by r r vector by r into l इस तरीके से आप लिख सकते हैं। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है अभी आप आपका एफ आर कॉन्स्टेंट है तो भारी आ जाएगा तो मैं इसको लिख सकता हूं एफ आर बाय आर डी बाय डी टी और ये आपका क्या हो जाएगा आर वेक्टर इनटू एल वेक्टर। ठीक है अब हमें एक चीज और पता है वी नो दैट क्या जो आपका एल वेक्टर होता है वो आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर के बराबर होता है। याद है आपको चीज जो आपका एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है किसका आपका आर वेक्टर का और आपका लीनियर मोमेंटम का। इसको इक्वेशन नंबर 6 लेट करो पहले तो इसको इक्वेशन नंबर 6 लेट करो और इक्वेशन नंबर इसको क्या लेट करो 7 लेट करो। ठीक है जल्दी इसको नोट करो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है अब देखो तो फ्रॉम इक्वेशन सेवन वी कैन राइट इक्वेशन 6। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7 वी कैन राइट इक्वेशन नंबर 6 एज dr by dt d by dt d by dt f, अब इस l की जगह पर चेंज कर देंगे l आपका क्या हो जाएगा तो मैं बोला भारी इसमें चेंज कर रहे हैं ना f r by r d by dt r वेक्टर इनटू आर वेक्टर और इनटू पी वेक्टर ये हो जाएगा आपका। ठीक है अब वेक्टर कैलकुलस का मैं आपको एक और फॉर्मूला बताऊंगा कौन सा फॉर्मूला फ्रॉम वेक्टर कैलकुलस वी हैव व्हाट डू वी हैव क्या होगा हमारे पास हमारे पास होगा क्या a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर को खोलने का तरीका। इसको खोलने का तरीका होगा हमारे पास कैसे a वेक्टर डॉट A dot B C minus A dot C B ये मेरे पास होगा। एक काम करो इसको अभी क्वेश्चन नंबर 8 मानो और इसको क्वेश्चन नंबर 9 मानो।
ठीक है, अब मैं इसको अप्लाई करूंगा इधर, जल्दी से इसे नोट करो। ठीक है, हल्का से इसमें चेंज करो, देखो पहले इस फॉर्मूले में चेंज करो, पहले यहां सी आता है, इधर बी आता है, इधर पी आएगा आएगा और इधर आपका सी आएगा। पहले हम इधर वाला, इसमें थोड़ा सा रिवर्स होता है, ठीक है, ए सी ए सी और आपका ए बी। अच्छा एक चीज और है बच्चों, देखो इसको हम हल्का सा और खोल सकते हैं, कैसे, हमको एक और चीज पता है क्या, लीनियर मोमेंटम जो होता है वो आपका एम वी होता है, एम वी होता है, और वी को आप किस तरीके से लिख सकते हो, एम आर डॉट तरीके से लिख सकते हो, जनरलाइज्ड फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। तो क्या मैं यहाँ पर आर डॉट लिख सकता हूँ, क्या मैं यहाँ पर आर डॉट लिख सकता हूँ, एम आर डॉट लिख सकता हूँ, एम तो आपका भारी आ जाएगा, एम को तो मैं इधर लिख देता हूँ, एम आपका भार आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, खाली खाली आपका बचेगा आर डॉट, खाली आपका क्या बचेगा आर डॉट, खाली आपका बचेगा आर डॉट, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपका बचेगा क्या आर डॉट, क्योंकि ये वेलोसिटी है ना, तो ये आपका आर डॉट बचेगा, ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, बस हो गया काम खत्म। अब तो आपका क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, उसमें भी वेक्टर लगा दो चाहे तो, हाँ ठीक है, ठीक है, आप देख लो क्या बचेगा, अब आपका शुरू करें, शुरू किया जाए, चलो आप देखो इसको एक क्वेश्चन नंबर 10 लेट करो, इससे हम ये लेकर आए हैं 8 में, ठीक है, इसमें थोड़ा सा चेंजेस करें, ठीक है, चलो अब हल्का, अब इस वाले को लगाएंगे और इसमें देखते हैं क्या चेंजेस आएंगे, इस वाले को लगाएंगे क्वेश्चन 9 को, क्वेश्चन 8 में लगाएंगे, देखते हैं क्या चेंजेस आएंगे, चलो अब देखना, तो ये तो आपका ऐसे ही लिखा रहेगा, अब आपका ए का काम क्या करेगा, ए का आपका काम क्या करेगा आर वेक्टर, सी का काम आपका क्या करेगा आर डॉट वेक्टर, आर डॉट वेक्टर, आर वेक्टर आपका किसका काम करेगा भाई, इसका ध्यान रखना आपको, अब आप इसमें ही ऑपरेशन लगा रहे हो, ठीक है, आप देखना, आर वेक्टर आपका ऐसे ही आ गया, डॉट लगाओ, क्या लगाओगे आर डॉट वेक्टर, आर डॉट वेक्टर, आर डॉट वेक्टर, और बी वेक्टर आपका क्या है आर वेक्टर, माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यानी आपका आर वेक्टर और डॉट आर वेक्टर, और क्या हो जाएगा बाहर आर डॉट वेक्टर, ठीक है, इसको इस तरीके से लिख दो, आप इसे नोट कर लो, आप फटाफट जल्दी से इसे नोट कर लो, ठीक है, करो नोट, अब इसको हम फटाफट से इसमें चेंजेस तो हम ले ही आए हैं, उनको तो हटाई दो, अब देखना जरा समझना उसको, हाँ अब देखना इसको मैं लिख सकता हूं जिस तरीके से, अब मैं वेक्टर का साइन हटा सकता हूं, घर से डॉट हटेगा वेक्टर में आ जाएगा, क्योंकि आर डॉट और आर के बीच में सेम एंगल होगा, तो एफ आर बाय आर डी बाय डी टी आर डॉट आर डॉट आर वेक्टर माइनस, ये आपका हो जाएगा आर स्क्वायर, आर स्क्वायर आर डॉट वेक्टर, इसमें कोई समस्या किसी को भी, इसमें किसी को भी कोई दिक्कत, इसमें अब तक तो देखो बच्चों किसी को कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, तो इसमें अब तक तो कोई किसी को समस्या आनी नहीं चाहिए, ठीक है, अब इसमें कोई दिक्कत हो रही है तो बताओ, मुझे बताओ आप, ठीक है, अब इस इतना नोट करो आप जल्दी से, अब चलो बच्चों देखना, अब सारा क्वेश्चन अब स्टार्ट होगा, ज्यादा हार्ड नहीं है, समझते चल जाना, बहुत ईजी है, देखना मैं इसको डी आर बाई डी टी करूंगा, इनको ऐसे लिख दूंगा एम एफ आर बाय आर, अब देखना मैं काम करता हूं माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो ये पहले आ जाएगा डी बाई डी टी, तो ये मेरा हो जाएगा क्या आर स्क्वायर आर डॉट वेक्टर,
और इधर मेरा माइनस आ जाएगा और आर आर डॉट आर आर डॉट और आपका आर वेक्टर ये इस फॉर्म में आ जाएगा। अब देखना मैं इसमें क्या करूंगा, मैं एक काम करता हूं, इसमें से आपका आर स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूं। क्या करता हूं, आर स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूं, ठीक है, आर स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूं। तो देखना मेरा क्या बनेगा, डी आर बाय डी टी इक्वल्स टू माइनस का एम एफ आर बाय आर बाय आर, बाहर आर स्क्वायर ले लेता हूं क्योंकि तो मैग्नीट्यूड है बाहर आ सकता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड है ना भाई, वेक्टर थोड़ी है, डी बाय डी टी भाई ये मैग्नीट्यूड है, बाहर इसलिए लिया है क्योंकि मैग्नीट्यूड है, ठीक है। इधर आपको क्या बचेगा, खाली आर डॉट वेक्टर बचेगा माइनस आर स्क्वायर कॉमन लिया है तो इधर आपका क्या बचेगा, इधर आपका क्या बचेगा, आर स्क्वायर कॉमन लिया है तो आर आर डॉट आर वेक्टर बाय आर स्क्वायर। अब मैं एक काम करता हूं, इस आर को डिवाइड में ले जाता हूं, इस आर को क्या करता हूं, इस आर को डिवाइड में ले जाता हूं, तो मेरा होगा डी आर बाय डी टी माइनस का एम एफ आर आर स्क्वायर डी बाय डी टी आर डॉट आर डॉट बाय बाय आर माइनस माइनस इस आर से आर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा आर डॉट आर वेक्टर बाय आर स्क्वायर, ये बचेगा, ठीक है, ये आपका बचेगा, ये शायद मेरी ख्याल से क्वेश्चन नंबर 10 थी यार, 10 होगी, 9 तक मैं आपको करवा चुका हूं, 9 तक तो मैंने आपको करवा दिया था, ये बचेगा आपका। अब देखना मैं एक चीज करवाऊंगा इसमें क्या, अब क्वेश्चन नंबर 10 को ऐसे लिख दो, अब मुझे आप एक चीज करो, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं जरा सा, उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, चलो एक छोटा सा डिफरेंशिएशन करते हैं हम, कैसे अगर हमें ना हो डी बाय डी टी आर वेक्टर बाय आर का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो देखना मेरा डिफरेंशिएशन किस तरीके से होगा, अगर मैं किसका डिफरेंशिएशन करूं इसका, ठीक है, आर वेक्टर बाय आर का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं तो किस तरीके से होगा, तो देखना इसको मैं फर्स्ट मान सकता हूं, इंटरवल इसको सेकंड, मल्टीप्लाई वाला रूल लगाएंगे, मल्टीप्लाई वाला रूल लगाएंगे और किस तरीके से करेंगे अब देखना, पहले मैं क्या करूंगा, फर्स्ट वाले को मैं छोड़ दूंगा, फर्स्ट वाले को मैं छोड़ दूंगा, ठीक है, फर्स्ट वाला मान लो मैंने 1 बाय आर को छोड़ दिया, 1 बाय आर को मैंने छोड़ दिया और मैं डिफरेंशिएशन किसका कर रहा हूं, डी आर बाय डी टी का, और डी आर बाय डी टी को मैं किस तरीके से लिख सकता हूं, डी आर बाय डी टी को मैं किस तरीके से लिख सकता हूं, आर डॉट, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा आर डॉट, फिर प्लस प्लस अब मैं क्या करूंगा, आर वेक्टर को छोड़ दूंगा और डिफरेंशिएशन मेरा किसका चलेगा, डिफरेंशिएशन मेरा किसका चलेगा, 1 बाय आर का। अब देखना जरा, 1 बाय आर का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं मैं, तो 1 बाय आर का डिफरेंशिएशन किस तरीके से करूंगा, समझना, इधर करता हूं तो डी बाय डी टी ऑफ आर माइनस 1 क्या होगा, माइनस 1 आर माइनस 1 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस 1 बाय आर स्क्वायर, ठीक है, 1 बाय आर स्क्वायर, लेकिन मैं इस आर का भी तो करूंगा साथ में डी आर बाय डी टी भी आएगा, क्योंकि ये टाइम हमें क्योंकि टाइम जो है वो आर पे डिपेंड नहीं करता ना, तो क्या हो जाएगा इसका, इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूं, इसका डिफरेंशिएशन जो आएगा वो आएगा क्या, माइनस का 1 बाय आर स्क्वायर और डी बाय डी टी आर, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं, आर डॉट, क्या लिख सकता हूं, आर डॉट, तो ध्यान से देखना ये क्या आ जाएगा आपका, आर डॉट बाय आर माइनस आर वेक्टर आर डॉट बाय आर स्क्वायर डी बाय डी टी आर वेक्टर बाय आर का करके, इसको इक्वेशन नंबर 11 लेट करो, ये आपका आ गया है निकल कर। अब देखो इसमें कंपैरिजन करो, ये वाली फॉर्म देखना आप जरा ध्यान से, ठीक है, ये इसकी तो खुल के आ रही है, तो क्या मैं इसको इस तरीके से नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, सो फ्रॉम इक्वेशन 11 एंड 10 व्हाट वी गेट,
इक्वेशन 11 और इक्वेशन 10 से हमको क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा इक्वेशन 11 और इक्वेशन 10 से देखते हैं हम। चलो ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 11 एंड क्या, फ्रॉम इक्वेशन 11 एंड 10 सो फ्रॉम इक्वेशन 11 एंड 10 वी गेट क्या मिल जाएगा हमको, डी आर वेक्टर बाय डी टी माइनस का एम एफ आर 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 स्क्वायर डी बाय डी टी आर वेक्टर बाय आर, ये मिल जाएगा आर वेक्टर बाय आर। अब मैं इस पूरे को इधर लेके आता हूं तो मेरा क्या बनेगा, डी आर वेक्टर बाय डी टी प्लस एम एफ आर आर स्क्वायर डी बाई डी टी आर वेक्टर बाय आर जीरो। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 12 ब्लैट कर लो, अभी के लिए क्या करो इक्वेशन नंबर 12 ब्लैट करो। अब इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अब एक छोटी सी चीज, एक जो इसमें मेन क्रिप्स आएगा जिससे हमको पता लगेगा सेंटर फील्ड फोर्स लग रहा है उसके बारे में बात करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लो। चलें अब देखो, अब समझना, अब मुझे आप एक चीज बताओ, आपका सेंटर फील्ड फोर्स, आपका जो सेंटर फोर्स होता है वो कैसा होता है, वो आपका इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, यानी जो आपका सेंटर फील्ड फोर्स होता है वो किस तरीके से होता है, यानी जो आपकी वैल्यू आती है किसकी, एफ आर की, वो क्या आती है, वो आपकी के बाय प्लस माइनस की फॉर्म में आएगी, के बाय आर स्क्वायर आती है। भाई अगर अट्रैक्शन है तो नेगेटिव और रिपल्शन है तो, अट्रैक्शन है तो पॉजिटिव, रिपल्शन है तो नेगेटिव, ये चीज तो आप सभी को पता ही है। ठीक है, तो के बाय आर स्क्वायर की होती है, हमें पता है इन सेंट्रल, द सेंट्रल फोर्स फील्ड इज फॉलोड विच रोल, ये वाला इनवर्स स्क्वायर लॉ वाला, यानी प्लस माइनस के बाय आर स्क्वायर वाला, कौन सा, प्लस माइनस के स्क्वायर वाला, यहां तक किसी को डाउट, भाई ये लॉ तो फॉलो करता है हमारा, ये लॉ हमारी क्या करती है, फॉलो करती है क्या, सेंटर फोर्स फील्ड। ठीक है, तो क्या मैं इस एफ आर की जगह पर ये पुट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं भाई, देख लो ना, देखो अपनी सेंटर फोर्स फील्ड क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स आपकी क्या होती है, जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, ये देखो आर स्क्वायर, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे कॉन्स्टेंट होते हैं, तो इसको आफ एफ, इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो, के बाय आर स्क्वायर, इस तरीके से तो लिखते हो, तो आपको बताया क्या कि आपकी जो सेंट्रल फोर्स फील्ड होती है वो आपका कौन सा लॉ को ओबे करती है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है, इसको इसकी जगह पे यहां लिख सकते हो आप, क्या क्या लिख सकते हो, वी नो दैट सेंट्रल फोर्स फील्ड ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ एंड इट कैन बी रिटन एज, किस तरीके से लिख सकते हो आप इसको लिख सकते हो किस तरीके से, सेंट्रल फोर्स फील्ड को आप किस तरीके से लिख सकते हो, एफ आर इक्वल्स टू के बाय आर स्क्वायर 13। अब जब मैं इक्वेशन 13, इक्वेशन 12 में इक्वेशन 13 पुट करूंगा तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, के बाय आर स्क्वायर, के बाय आर स्क्वायर, तो इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां पर देखना प्लस माइनस का साइन आएगा क्योंकि यहां पर प्लस माइनस होगा। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, डी आर वेक्टर बाय डी टी प्लस माइनस एम के डी बाय डी टी डी बाय डी टी, अगर एम भी कॉन्स्टेंट है के भी कॉन्स्टेंट है मैं इसको भी अंदर ही लिख देता हूं, तो आपका डी बाय डी टी एम के
आर वेक्टर बाय आर, आर वेक्टर बाय आर इक्वल्स टू जीरो। अब इसे नोट कर लो आप फटाफट से, ठीक है। अब देखना, अब देखना मैं क्या कर सकता हूं इसमें। डी बाई डी टी को कॉमन ले लिया, क्या बचेगा अंदर, आर प्लस माइनस एम के आर वेक्टर बाय आर इक्वल्स टू जीरो, यानी डी बाई डी टी। आर मैंने क्या लेट किया था बच्चों, आर वेक्टर मेरा क्या था, पी इंटू एल वेक्टर था, प्लस माइनस एम के R वेक्टर बाय R इक्वल्स टू जीरो। अब किसी भी डिफरेंशिएशन का, किसी भी वैल्यू के अगर हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो जीरो के बराबर है, इससे हमें क्या पता लगेगा, इससे हमें पता लगेगा क्या कि P वेक्टर क्रॉस R वेक्टर प्लस माइनस M के R वेक्टर बाय R जो है वो कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। और इसका रिजल्ट जो ये जो वेक्टर आ रहा है, इस वेक्टर को ही क्या बोलते हैं, लाप्लास रंग्स लेंस वेक्टर, एलआरएल वेक्टर बोलते हैं। सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं, एलआरएल वेक्टर, क्या बोलते हैं, एलआरएल वेक्टर। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों इसी के साथ हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स खत्म होती है। नेक्स्ट आपकी जो चलेगी उसका नाम क्या है, स्टैटिकल मैकेनिक्स, ठीक है, जिसमें हम डील करते हैं किसके बारे में, मैक्रोफिजिक्स को हम डील करते हैं। तो अब जो आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा वो आपका मैक्रो और माइक्रोफिजिक्स पर होगा, ठीक है, यानी आपकी स्टैटिकल मैकेनिक्स शुरू हो जाएगी। तो पार्ट ए और पार्ट ए का आपका सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, इसका रिविजन अब अच्छे से कर लेना, ठीक है। आपके सेमिस्टर्स भी अब होने वाले होंगे तो उनका भी आपको ध्यान रखना है, और आपका सब कुछ अब कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। एक एक चीज को अच्छे से करना, बस मैं यही कहूंगा, एक एक चीज को अच्छे से करना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, थैंक यू वेरी मच।